Assalamu alaikum, 4 class. Here is your book, The Grammar Tree. So let's open your books. Chapter 2, Nouns 2, Countable and Uncountable. Students, as you all know that we have completed chapter 1 and in our previous lecture we have started chapter 2 about countable and uncountable. Today we are going to start our lecture from page number 7. Countable and uncountable nouns. In our previous lecture, we have discussed about singular and plural nouns. So today we will discuss about countable and uncountables. So students, countable and uncountable nouns होते हैं. Countable होते हैं जिनको हम easily count कर सकते हैं. That we can count them. Uncountable जिनको हम count नहीं कर सकते. Let's start. In the case of some common nouns, we can clearly mention how many of the same kind of thing or person we are talking about. 2 men, 30 sheep, 5,000 rupees. Such nouns are known as countable nouns. यानी ऐसे common nouns जिसमें हमें चीज़ों का पता होता है कितनी चीज़ें involve हो रही हैं काम में, ठीक है, एक दो तीन ये हमें पता हो. So इस तरह के nouns को हम कहते हैं countable nouns. But there are some common nouns which are the names of things or persons that cannot be counted, like water, milk, weather, music, youth, etc. We cannot say, I want one water or let me have two milk. यानी हम ऐसी चीज़ें जिन कुछ चीज़ें common nouns ऐसे होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, लाइक वाटर, मिल्क, वेदर, म्यूज़िक. हम ये नहीं कह सकते आई वांट वन वाटर या मुझे एक पानी दे दो या मुझे दो दूध दे दो. नो, ये अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, इनको हम काउंट नहीं कर सकते. सच नाउन्स आर नोन एज अनकाउंटेबल नाउन्स. नोट द डिफरेंस बिटवीन वन, यानी कॉमन सॉरी अनकाउंटेबल और काउंटेबल में डिफरेंस क्या था कि एक में हमें चीज़ की एग्जैक्ट क्वांटिटी का पता होता है, काउंटेबल में हमें पता होता है कि कितनी चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं, एक दो तीन, यानी हमें पता होता है. बट अनकाउंटेबल में हम उसको काउंट नहीं कर सकते. कम टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 6. In the case of one, we can say one sheep, two aircraft. यानी first मतलब countable. Countable में हम कह सकते हैं कि एक sheep, one aircraft, ठीक है. But in the case of two, we cannot use a definite number before the noun. We cannot say. नहीं, अब number two कौन सा था? अनकाउंटेबल नाउन. अब अनकाउंटेबल नाउन में हम डेफिनेट नंबर नहीं लिख सकते नाउन से पहले. मतलब नाउन क्या था? वाटर, मिल्क, ये क्या है? नाउन से. अब इनसे पहले हम नंबर नहीं लिख सकते, वन वाटर, टू मिल्क, टू वाटर्स, ठीक है. नो, वी कैन नॉट राइट देम. टू सम अप, नाउन्स दैट आर नेम्स ऑफ थिंग्स, पीपल, एट्सेट्रा, विच कैन बी काउंटेड आर नोन एज काउंटेबल. दे यूजुअली हैव सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स. Nouns that all that are the names of things, people, etc., which cannot be counted are known as uncountable nouns. You need to sum up. Yani lecture jo hum baat kar rahe the countable and uncountable ke related, uska sum up yahi hai ki countable aise nouns hain jinko hum count kar sakte hain, uncountable aise nouns hain jinko hum count nahi kar sakte. मोस्ट ऑफ दैम डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म्स. यानी जो काउंटेबल होते हैं उनकी प्लूरल फॉर्म्स भी मौजूद होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स दोनों होती है. बट अनकाउंटेबल में मोस्टली जो है वो उनकी प्लूरल फॉर्म्स नहीं होती. मोस्ट ऑफ दैम डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म्स एंड वी कैनॉट यूज डेफिनेट नंबर्स बिफोर दैम. गिवन बिलो इज अ लिस्ट ऑफ सम कॉमनली यूज अनकाउंटेबल नाउन्स. यहाँ पर नीचे एक बना हुआ, एक ब्लॉग बना हुआ है, इनमें जो वर्ड्स हैं दे आर कॉमन नाउन्स एंड दे आर यूज एज अनकाउंटेबल नाउन्स. ये एज अ अनकाउंटेबल नाउन यूज होते हैं, ठीक है, और इनकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती. एडवाइस, एंगर, बैगेज, ब्यूटी, ब्रेड, कोल, कॉफी, करेज, क्रीम, डस्ट, अर्थ, एनर्जी, इक्विपमेंट, फियर, फूड, सन, फर्नीचर, हेल्थ, हेल्प, आइस, नॉलेज, लव, लक, मैजिक, म्यूजिक, ऑयल, पीस, पिटी, प्राइड, सैंड, silence, snow, sugar, tea, water, weather. They all are uncountable nouns and they have no plural form.
Okay, students, come to exercise B. We are going to solve it. State whether the underlined nouns are countable or uncountable. यहाँ नीचे कुछ nouns जो हैं वो underline किए गए हैं, हमने बताने कि countable हैं या uncountable हैं. So students, जो countable होंगे you will write C for them, और जो uncountable होंगे you will write U dot C, means uncountable. Okay, you will write U dot C for them. In first sentence, the doctor has asked Rohail to keep away from both salt and sugar. So doctor countable है, ठीक है. salt and sugar definitely both are uncountable nouns. Next, number two, Bina loves to play basketball. Basketball is a game, okay, it's an uncountable, not countable. Basketball uncountable है, you will write UC. Or cook uses too much oil and butter in his cooking. Cook क्या है, countable होगा. Oil और butter दोनों uncountable हैं. Number four, he ate his soup with a spoon. Soup क्या है, uncountable है. Spoon countable है. The man spent all his money on books and lived happily in poverty. So money, books दोनों countable हैं. Poverty गुरबत uncountable है. John bought a new car and took us all for a ride. Car क्या है, countable है. Number seven, I am very fond of rice and have it at every meal. So rice क्या है, uncountable है, ठीक है. Meal जो है ये countable है. Next, page number 8. Drinking too much coffee or tea is not good for your health. Coffee, tea, health. ये तीनों क्या हैं, ये uncountable हैं, okay? Next, no living being can survive without air. Air क्या है, uncountable है. Next, number 8, he does not like bread or butter. Bread क्या है, countable है. Number 11, he put some toothpaste on his brush and walked into the bathroom. Toothpaste uncountable है, brush countable है, और bathroom भी countable है. Number 12, oil and water do not mix easily. Oil और water दोनों ही uncountable हैं. Number 13, Rana met with an accident and there was blood all over his clothes. So एक्सीडेंट countable है, बिकॉज एक हादसात हुए. एक्सीडेंट्स यानी इनकी प्लूरल फॉर्म है, सो इट्स एन countable noun. एंड ब्लड इज़ एन uncountable noun. नेक्स्ट, लक was ऑन his साइड एंड ही won अ lot ऑफ prizes एट द फेयर. सो लक ये क्या, ये अनकाउंटेबल है. प्राइजेस भी काउंटेबल है और फेयर भी काउंटेबल है. ओके, फेयर इज़ अ काउंटेबल. नंबर 15, देर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी इन द टाउन बिकॉज ऑफ द फ्लड्स. इलेक्ट्रिसिटी अनकाउंटेबल है, टाउन काउंटेबल है, फ्लड्स भी अनकाउंटेबल हैं. इलेक्ट्रिसिटी और फ्लड दोनों का अनकाउंटेबल और टाउन काउंटेबल. नेक्स्ट, द वेदर वॉज फाइन एंड वी स्पेंड द डे सिटिंग इन द गार्डन. वेदर मौसम है, ये कैफियत होती है, ठीक है. वेदर्स नहीं हम कहते, सो इट्स एन अनकाउंटेबल. डे काउंटेबल है. गार्डन इज ऑल्सो काउंटेबल नाउन. 17, वेन यू लिसन टू गुड म्यूजिक यू लूज ऑल सेंस ऑफ टाइम. सो म्यूजिक और टाइम दोनों ही अनकाउंटेबल हैं. 18th सेंटेंस है, He had eggs and toast for breakfast, meat at lunch and milk at bedtime. So, eggs and toast both are countable, breakfast uncountable, meat uncountable, milk uncountable. 19th sentence, there was no space in the drawing room and so they put the television set in the bedroom. So in this sentence, space uncountable है, drawing room, television set, bedroom, they all are countable. Last sentence is, the sand on the beach was clean,
and golden in color. Sand, मट्टी, रेत. Sand uncountable है. Beach countable है. Color भी countable है. ओके स्टूडेंट्स, ये आपने लेड पेंसिल से नीट एंड क्लीन अपने बुक पर एक्सरसाइज बी जो है वो सॉल्व करनी है. सो वी हैव कम्प्लीटेड आवर टुडेज लेक्चर. आप लोगों ने स्टूडेंट्स इसको अच्छे तरीके से रिवाइज करने, ओके, रिवाइज इट प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू योर लेक्चर्स. ठीक है, आपने अपने लेक्चर्स के अकॉर्डिंग हर टॉपिक को रीड आउट करना है. इसकी जो डेफिनेशंस हैं वो तो आपने डेफिनेटली तैयार करनी है. एक्सरसाइजेस जो है मैं करवा रही हूँ वो आपने तैयार करनी है. ओके स्टूडेंट्स, सो टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.